तो सुबह से मेरे काम शुरू हो गए हैं। नहा धोकर कपड़े धोकर और मैंने थोड़ा सा चक्कर लगा लिए और अपने जो पौधे लगे हुए हैं उनको भी देख लिया है। और आज मैं ऊपर के पौधों को भी देखने जाऊंगी, काफ़ी पीले पड़ गए। शाम को वहाँ पे ऊपर गई थी तो देखा बहुत ज़्यादा पीले पड़ गए हैं, तो कुछ पत्ते उनके भी हटाऊंगी और जो अस्त व्यस्त पड़े हैं उनको ठीक करूंगी। तो एक बार मैं अपने रूम की सफाई करूंगी और उसके बाद पूजा करूंगी। अपनी सफाई बिना मुझे पूजा करनी बहुत बुरी लगती है, तो मैं पहले सफाई करती हूँ उसके बाद ही पूजा करती हूँ। तो वैसे तो बेडशीट साफ रहती है क्योंकि मैं ही यूज करती हूँ, थोड़े बस थोड़ी देर आते हैं बेटा बहू तो मैं अकेली बैठी रहती हूँ और हस्बैंड मेरे पास वाले कमरे में ही ज़्यादातर रहते हैं, तो मेरा जो ये बेडशीट है वो मैला बहुत कम होता है। तो फिर भी मैं इसको बदल देती हूँ, 3-4 दिन के अंदर मैं बदल देती हूँ क्योंकि कपड़े धुल भी जाते हैं और बदल भी देती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और ये एक अंदर बेडशीट रखती हूँ मैं इसके, जिससे मेरे ऊपर वाले में सल नहीं पड़ते हैं ऊपर के चादर में। तो एक बेडशीट पुरानी इसके अंदर मैं हमेशा बिछा के रखती हूँ और एक फिर इसके ऊपर बिछा देती हूँ। तो जैसे बदलनी भी हो तो एक बार ऊपर की फटाफट बदल के धो दो तो नीचे वाली भी ऐसी कोई खास गंदी नहीं लगती है। तो लेकिन मैं उसी वक्त बदल देती हूँ, तो बेडशीट और तकिए गिलाफ बदल के और फिर मैं करूँगी पूजा। फिर जब सफाई हो जाती है तो मुझे अच्छा लगता है। पूजा वाले कमरे की तो मैं सुबह ही कर देती हूँ पहले उसकी सफाई, उसके बाद ही हम लोग उसमें पूजा करते हैं। मेरे हस्बैंड सेवा कर देते हैं ठाकुर जी की, तो पहले उस कमरे की हम सफाई कर देते हैं, उसके बाद मैं अपने कमरे की, ड्राइंग रूम की, किचन की, सब की सफाई एक बार झाड़ू लगा के मैं कर देती हूँ सुबह। सुबह बासी झाड़ू लगा देनी चाहिए जिससे कि पैरों में ना मिट्टी आए, और एक बार घर साफ लगे तो मैं एक बार सुबह सारे घर में झाड़ू लगा देती हूँ, पोछे में बाद में लगाती हूँ। तो सफाई का काम हो चुका है, अब मैं पूजा कर रही हूँ और पूजा के बाद मैं अपना न्यूज़पेपर पढ़ूँगी, तो उसके बाद ही मैं आराम से बैठती हूँ। और फिर बहू भी इतने में अपनी ऊपर की सफाई वफाई करके आ जाती है और चाय बनाती है। तो इस टाइम मैं अपनी जो वीडियो है उसको एडिट करती हूँ, तो फिर चाय का जो वीडियो है वो चाय की मैं नहीं ले पाती हूँ क्योंकि मेरी वीडियो इस टाइम एडिट करती रहती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं सारी अपनी पूजा वूजा करके और फिर अपना किचन में गर्म पानी ले, तो सारा काम करने के बाद ही मुझे सुकून मिलता है और मैं फिर आराम से न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ और गर्म पानी भी ले लेती हूँ। और एक इसमें जो पहेली आती है वो मैं हमेशा भरती हूँ, तो आपको दिखाऊंगी कभी, ये एक पहेली आती है उसको मैं ज़रूर भरती हूँ। मेरी शुरू से आदत है कि मैं उस पहेली को तो भरती ही हूँ अखबार में। और अब मैं जाऊंगी छत पे, बहू नीचे खाना बना रही है और छत पे मैंने और मेरे बेटे ने आज सफाई की क्योंकि काफ़ी पौधे पीले पड़ गए थे, तो उनके सारे पत्ते हटाए, थोड़ी गुड़ाई की उसमें और पानी वानी दिया, और जो भी अस्त व्यस्त पड़े थे गमले उनको वापस सही किया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अस्त व्यस्त हो जाते हैं, कोई कहीं रखा चल हो जाता है, कभी कहीं रख देते हैं, तो उनको मैंने सारों को सही रखे। हालांकि धूप आ गई थी तो धूप की वजह से मैंने थोड़ी देर ही काम किया गमलों में, लेकिन कर लिया हम दोनों ने क्योंकि बेटा भी ऊपर नहाने आया था, तो नहा चुका था वो, फिर मेरे साथ वो भी करने आ गया पौधों को। उसने बेचारे ने उठा उठा के सारे रखे जो भी इधर उधर पड़े थे, उनको हमने एक साथ रखा और सारे पीले पत्ते हटाए और कुछ चाय की पत्ती की खाद हमने दी इनमें सब में, चाय की पत्ती सुखा कर और फिर सब में हमने थोड़ी थोड़ी खाद डाल दी, तो हमारे ये पौधे वापस हरे भरे हो जाते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि मेरी मिर्ची की पौधे में काफ़ी कलियां आ गई हैं, तो वो चाय की पत्ती से ही आई हैं। तो ये देखिए हमारी पौध लग गई है, एक गिलोय की बेल हम लाए थे और ये मिर्ची के पौधे हैं, और ये वाला जो एक पौधा है मिर्ची का है, इसमें काफ़ी कलियां आ गई हैं।
और खूब मिर्ची देता है ये पौधा हमको। तो इसमें फिर कलियाँ आई हैं, और ये बैंगन का पौधा है, और ये कुछ पौध लगी हैं, अभी पता नहीं लग रहा है किस चीज़ की लगी हैं, भूल गए हम। तो अभी जो ये पौधे पीले हो गए हैं, इनको सबको मैंने छांव में रखे, क्योंकि ज़्यादा धूप लग रही है इनमें, तो ये पीले हो गए हैं पौधे। तो इनमें सब में भी पीले पत्ते हटाए, कुछ खाद दी, जो पत्ते टूटते हैं वही वाली खाद मैं इसमें डाल देती हूँ। ये अमरूद का पौधा है मेरा, इसमें पत्ते आ चुके हैं नए, और ये जो है अनार का पौधा है, इसमें भी पीले हो गए हैं पत्ते। तो इन सब पत्तों को आज हटाए पीले को, और अच्छी तरह से झाड़ू लगाई, और इतनी देर में बहू ने खाना बना लिया था नीचे, तो खाना बन चुका था। बैंगन की सब्जी बनाई थी बेसन वाली, और दाल बनाई थी। तो जब तक हमने ऊपर की सफाई वगैरह छत की, इतनी देर में हमारा खाना बन गया, और फिर हमने खाना खाया। उसके बाद हम सब ने रेस्ट किया, क्योंकि शाम को हमको जाना था किसी काम से। हम चाह रहे हैं कि हम हमारा क्लिनिक बाहर कर लें, अभी जो घर में खोल रखा है, थोड़ा सा हमारा घर गलियों में है तो लोगों को ढूंढने में दिक्कत आती है, तो हम चाह रहे हैं कि हम उसको अपने क्लिनिक को बाहर कर लें। तो हम लोग दो चार नई शॉप बनी है यहाँ पर मेन मार्केट में, तो वो देखने गए थे, लेकिन बीच में ही बेटे और बहू के तो केस आ गया डॉग का, तो वो लोग तो चले गए, और मैं अपने भाई और हस्बैंड के साथ गई थी। तो हमने दो तीन शॉप देखी, और जो भी हमें ठीक लगेगी लोकेशन वाइज, या जैसे भी हमें जो ठीक लगेगी उसमें ही हम करेंगे शॉप। तो मैं तो गाड़ी में बैठी थी, और भैया और मेरे हस्बैंड देखने गए शॉप, और एक शॉप हमें मिली जो पूरी कंप्लीट थी, जिसमें काउंटर वगैरह सब लगे हुए, क्योंकि वो दवाई की थी पहले, तो वो सारी कंप्लीट थी शॉप। ये कंप्लीट है बिल्कुल, लेकिन थोड़ी सी हमें कम जच रही है, थोड़ा मार्केट नहीं है यहाँ पर, लोकेशन अच्छी नहीं है, इस कारण हम ऐसे मार्केट में चाहते हैं जहाँ पर चलता हुआ मार्केट हो, तो वहाँ पर हम शॉप लेंगे। तो बस ये शॉप तो अभी हम सब लोग ही गए थे बाहर, कोई काम से गए थे, तो बीच में केस आ गया बेटे बहू के, तो वो तो बीच में से ही आ गए, हम लोग थोड़ा सा अपना काम पूरा करके आए, और अभी भी ऊपर ड्रिप चढ़ रही है डॉग के। तो मैंने बना लिए मिक्स वेज चावल बनाए हैं, तो बस शाम को तो वैसे भी हम लोग चावल वगैरह ही खाते हैं, दाल चावल हुए या खिचड़ी हुई या दलिया खिचड़ी भी हल्का खाते हैं। तो अभी मिक्स वेज चावल बनाए मैंने, और बस अब सब लोग खाएंगे ऊपर से, जब बेटा बहू फ्री हो जाएंगे, वो लोग आएंगे तब खाना खाएंगे हम लोग। तो खाली बैठी थी मैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ग्रॉसरी की लिस्ट बना लूं, क्योंकि 28 तारीख हो चुकी है और ग्रॉसरी की लिस्ट लिखनी पड़ेगी। सामान सारा ख़त्म हो चुका है, थोड़ा थोड़ा बचा है सब, तो उसकी बस मैं लिस्ट बना रही हूँ। जो सामान थोड़ा रखा है उसको तो नहीं लिखूँगी, और जो नहीं है वो लिखूँगी। तो इस तरह से मैं लिस्ट बनाती हूँ, अपनी लिस्ट बिल्कुल देख सोच के बनाती हूँ कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हाँ मैं हमेशा से बनाती हूँ, तो मुझे रटी हुई है ये लिस्ट कि क्या क्या लिखना है मुझे। तो मुझे पूरी लिस्ट और पूरा जो सामान है वो रटा हुआ रहता है कि क्या लिखना है, तो मैं पूरा सामान लिख रही हूँ यहाँ पर, खाली समय का उपयोग कर रही हूँ। और वह सब बेटे बहू आएंगे नीचे, और उन्हीं का वेट हम लोग कर रहे हैं, नीचे आ जाएंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे।